ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आत्माभिमानी बनने के लिए चार सब्जेक्ट रखे हैं। कौन सा? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सार है आत्माभिमानी बनना। कई कहते हैं हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते, आज तक सारी मुरलियां सुनी। अगर मुरली सुनते हैं तो भान कौन सा चाहिए? आत्माभिमानी चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो ज्ञान सुनने तक है, आचरण में नहीं है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट होंगे, वो पॉइंट स्वरूप में रहेगा। ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनना। कई कहते हैं हम रोज योग करते हैं, अमृत वाला कभी मिस नहीं करते, शाम के समय योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर आप योग करते हैं, आपकी स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी चाहिए। अगर आत्माभिमानी नहीं है, वो योग आपका केवल शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है, बाबा के पास नहीं जाती। अगर बाबा के पास जाती तो भ्रुकुटी में ज्योति जगनी चाहिए। इसलिए योग का सार भी है आत्माभिमानी बनना। आज कई कहते हैं मैंने धारणा जब से बीके बनाऊं, मैं बाहर का भोजन नहीं खाता हूं, शुद्ध भोजन खाता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन है। अगर आपका ब्रह्मचर्य का पालन होता, शुद्ध भोजन खाते, धारणा होती, तो क्या बनना चाहिए? आत्माभिमानी। अगर आत्माभिमानी नहीं है तो धारणा केवल दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। आज कई बीके है ब्रह्मचारी, लेकिन उसका चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ, चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है, टेंशन में जैसा लग रहा है। क्यों? वो ब्रह्मचारी तो है, लेकिन वो टेंशन में नेगेटिव सोच रहे, पर चिंतन कर रहे हैं, उसके चेहरे में वो लीकेज हो रहा है। इसलिए धारणा का सारा है सोल कॉन्शियस। कई कहते हैं हमने सेवा बहुत की। अगर आप सेवा करते हैं तो क्या चाहिए? आत्माभिमानी चाहिए। सेवा क्यों करें? इससे सेवाओं से खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, और इसे सोल कॉन्शियस बनते हैं। अगर सेवा करने के बाद भी सोल कॉन्शियस नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए है, दिखावटी के लिए। निस्वार्थ सेवा नहीं है, दुआएं वाली सेवा नहीं है। ये चारों सब्जेक्ट सोल कॉन्शियस बनाने के लिए हैं।